दीप है, इस दा पिंड अठवाड़ा दे रहण वाले हन। इस दी गवाही छोटे बेटे दी है जो मंगलवार नूं इस बच्चे नूं बुखार होया, बुखार दे करके इस बच्चे दे मुंह दे विच छाले होए और पूरी बॉडी दे दाने होए और जदे डॉक्टर दे कोल लैके गए, डॉक्टर ने इन्हें दे बेटे नूं बोलिया कि इन्हू माता निकली है, इन्हू मंदिर विच जाके मत्था टिकाओ। ये चर्च ये भैन चर्च विच आंदी सी, इहदा बेटा भी चर्च विच आंदा सी छोटा, और जद इन्हां दी मम्मा ने इन्हां दी फैमिली ने कहा भी इन्हू मंदरे करो, इन्हां दे बेटे छोटे ने बोलिया कि मैं मंदिर नहीं जावांगा, मैं चर्च का ऑयल पीवांगा तो मैं चंगा हो जावांगा। ये बच्चे का विश्वास सी कि चर्च विच खुदारे दास दे द्वारा जो मसा कीता है ऑयल, जो मैं पीवांगा मैं चंगा हो जावांगा। ये सिस्टर का भी प्रभु दे विश्वास सी, जद इन्हां ने किते नहीं खड़िया, वो किते मंदिर जाके मत्था नहीं टेकिया, लोगों ने काफी गाइड किया, पर इन्हां नूं चर्च ते विश्वास सी, चर्च दी अनाउंटिंग ऑयल ते विश्वास सी। जद इन्हां ऑयल लगाया और चर्च दे प्रेयर टावर तो शुक्रवार नूं प्रेयर करवाई, प्रेयर करवाउण तो बाद ही अगले दिन इन्हां दे बच्चे दे मुंह दे विच जो जिहनूं माता कहिंदे सी पूरी बॉडी ते निकली होई सी, और उसके बाद ही जख्म बह गए। और इस बच्चे की दो दिन तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जोर से चर्च तालों के साथ सिस्टर की दसो अपनी गवाही की है बेटे की। पूरी बॉडी के उपर भी जख्म, पूरी बॉडी के भी, ना पानी पीता ना दूध पीता, चार दिन पर कुछ नहीं, चार दिन खाता नहीं खाता। डॉक्टर ने की बोलिया, उन्होंने कहा माता वा परहेज करो, रख बनो मंदिर लस्सी पहुंच जाओ। मेरे आंडियां गुआंडियां ने भी गाइड किया पर मैं विश्वास नहीं किया। ए बच्चा रोंदा ही किता, मैं ऑयल ही पीना ना दवाई पीनी हुई, कहना ही चर्च जाने माता दे मंदिर नहीं जाना। चर्च देखो छोटा बच्चा ने किन्नी चिर तीन साल दे बच्चे नूं नहीं पता भी ऑयल दे विच की है, क्योंकि जिथे खुदा की हजूरी होंगी है उत्थे हर चीज मसा की होंगी है। देखा मेरे आदि पिता कोई भी जो अनाउंटिंग रुमाल के द्वारा प्रेयर करते हैं, जां अनाउंटिंग ऑयल के द्वारा प्रेयर ताडे तों होंदी है, जां किसी भी हिस्से के विच तुहानूं उस अनाउंटिंग के द्वारा अनाउंटिंग स्वीट के द्वारा वो ताडी जिंदगी च काम करदा। इस बच्चे का मुंह दा अंगीकार सी कि मैं कोई दवाई नहीं खानी, मैं किसी मंदिर नहीं जाना, कोई मत्था नहीं टेकना, मैं चर्च का ऑयल ही जावांगा तो मैं चंगा हो जावांगा। सही है सिस्टर? उस तो बाद जो ऑयल पाया चार दिन तो बाद जो बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, ऑयल पाने तो बाद किदों ठीक होया? बुजुर्ग नौजवान तो ब्लैस ने, पर आने वाले जो छोटे बच्चे आग दाड़ा पाने जा रहे ने, शैतान के सारे प्लान खत्म करने जा रहे ने। इस बच्चे का अंगीकार की सी कि मैं कितने मंदिर नहीं जा सकना, मैं कोई दवाई नहीं खानी, मैं चर्च का अनाउंटिंग ऑयल ही पीवांगी, तो मैं पीवांगा तो मैं चंगा हो जावांगा। चर्च इस बच्चे ने अपनी गवाही पैदा किया। चर्च अज जो आप खुदा की हजूरी के बच्चे आने, असं अपने मुंह तो जो बोलते हैं वो ही साड़ी जिंदगी पूरा हो जाता है। और तुसी अपनी गवाही च लिखा कि तुसी चर्च के वफादार रहे, बीज बोते रहे, अज भी तुसी वही बीज बो के आए हो, तुसी अपनी गवाही दे विच लिखा की तुहाडा बीज अज स्पेशल बीज दोनों बच्चियां लई लैके आई है। प्रभु किस काम के लिए बोया? प्रभु दे वफादारी बन के रहन वड्डे हो गए भी, मतलब कोई बीमारी ले नहीं, कोई दोखली नहीं, किसी काम के लिए नहीं, प्रभु दे नाल की रहन वफादार रहन। क्यों ना परमेश्वर इस बच्चे चंगा कर दे, क्योंकि इस इदी मम्मा का फेथ, इन्हें बच्चों का फेथ ही प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें नाल और भी गवाहियां नाल खड़ा कर रहा है। हुण तुसी अपने बच्चे की सुख की भेंट पा रहे हो ताकि आत्मिक जीवन च उन्नति लैके आओ। और तुसी अज ये बच्चे का दो दिन तो बिल्कुल ठीक है, हुण कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लोगों नूं की दसना चाहते हो चर्च में आके, तुहानूं किदां दा लगदा, की लोगों नूं की सुझाव देना चाहते हो? भैन ने गवाहियां ते गवाहियां लै रही ता फेथ किन्ना विश्वास उच्चा, कहती भावे कुछ भी आ जाए ताडे रस्ते ते गाड़ी, वो बीमारी हो सकती है, वो दुख हो सकता है, वो गरीबी हो सकती है, वो बेबी ब्लेसिंग हो सकता है, और सोरी और पत्री हो सकती है। तो